मैं सबसे पहले अपनी प्रेस के आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सभी लोगों का स्वागत करता हूं। यहां पर आदरणीय नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री बिहार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, हमारी पार्टी के सभी नेता, मैं सबसे पहले आदरणीय नीतीश कुमार जी का यहां स्वागत करता हूं, तेजस्वी जी का स्वागत करता हूं, लखनऊ में, और जिस तरह का लोकतंत्र पर संकट है, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की लगातार गलत आर्थिक नीतियों के कारण किसान, गरीब, मजदूर तकलीफ और परेशानी में है, संकट में है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम आप लोगों के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी हटे, देश बचे, उस अभियान में हम लोग आपके साथ हैं। हम लोग तो आए ही हैं इसलिए और ताकि सब लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टियों की राय एक हो जाए देश को आगे बढ़ाने के लिए, और जो कुछ भी यहां शासन कर रहे हैं कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रचार प्रसार हो रहा है। तो वैसी स्थिति में अधिक से अधिक पार्टियों के साथ बातचीत चल रही है और उसी सिलसिले में आज हम लोग भी बैठ करके बातचीत किए हैं, और जैसा इन्होंने कहा हम लोगों ने तय किया है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को देश में हम लोग एकजुट करें और मिल करके सब लोग काम करेंगे ताकि इस देश, यह देश आगे बढ़े और ये बीजेपी से मुक्ति मिले पूरे देश को। और आप समझ रहे हैं देश के इतिहास को बदलने के चक्कर में लोग हैं, तो लोगों को तो जानना चाहिए ना सब चीज को और जो काम हो रहा है, और काम क्या हो रहा है, खाली प्रचार ही ना हो रहा है। तो इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए ही सब लोगों से बातचीत पहले से ही हो रही है और आज भी बातचीत हुई है, बड़ी खुशी की बात है। तो अभी तो हम लोग इतना ही कहेंगे कि हम लोग सब एक साथ मिलकर के अधिक से अधिक पार्टियों को एक साथ मिला करके जो आगे बढ़े और अगला जो चुनाव है उस चुनाव में सब एक साथ मिलकर के अगर लड़ेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा और देश के हित में होगा। तो इसी दृष्टिकोण से बातचीत हो गई, जो आपको कहा हम सब लोग आए हुए हैं तो मिलकर के हम लोग सब काम करेंगे, ये बात हो गई है। और हम लोगों का संबंध जो है इस राज्य से, उत्तर प्रदेश, क्या समझ रहे हैं आप, जो हम लोग बिहार के हैं तो हम लोगों का तो रिश्ता ऐसे ही शुरू से है, एकजुट है, समाजवादी है, बोलिए ना, तो हम लोगों का तो एक ही ना पुराना रिश्ता है। तो इसीलिए हम लोगों का तो खैर है ही और मिलजुल करके तो हम लोग चलेंगे ही, लेकिन पूरे देश के अन्य जगहों के हित में भी हम लोगों ने बातचीत किया है कि अन्य जो पार्टियां हैं सबके साथ बात करके और उसको एकजुट करेंगे, यही बात हुई, इसी के लिए आए हैं आप लोगों के साथ, और अच्छा हुआ, अच्छी बातचीत हुई है, बहुत ठीक रहा। नहीं, वो तो देखिए सब लोग एकजुट हो जाएंगे तो नेता बनेंगे, जो भी बनेंगे काम करेंगे और देश के हित में काम करेंगे। और एक चीज हम बता देते हैं, अपने बारे में बता देते हैं, हमको नहीं बनना, यह अच्छी तरह जान लीजिए, हम सबको खाली एकजुट करने में लगे, अपने लिए हमको नहीं कुछ चाहिए, हम देश के हित में काम करेंगे और बाकी सब लोग होंगे, दूसरे लोग होंगे, सब बैठ करके तय करेंगे। अरे नहीं भाई, आप तो, अरे तो हम लोग तो उनके शिष्य हैं ना जी, हम लोग तो आंदोलन उन्हीं के नेतृत्व में न रहे हैं, तो इसलिए वो तो बात स्वीकार किए, हम लोग जब स्टूडेंट थे और उस समय जब किए, ये बैठे इनके पिताजी और हम लोग सब साथ थे, उनको हम लोगों ने अनुरोध किया, वो मान लिया, वही उन्हीं के नेतृत्व हुआ है।
हो गया मिल गया। अरे बहुत आप आपको हम इतना ही कहेंगे कि हम लोग जो प्रेम के साथ और जो आपस में मिल करके आगे करेंगे तो आप देख लीजिएगा कि रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग समझ रहे हैं, जो अपना राज करने के चक्कर में तरह तरह का और लोगों को परेशान करते हैं, तो ये सब कुछ नहीं उनका होने वाला। तो और हम लोग समूचे लोग मिलके जो काम करेंगे, तो आप जो यूपी या बिहार का सोच रहे हैं ना, तो जितना सोच रहे हैं उसका अधिकतम इधर ही रहेगा, उन लोगों की तरफ नहीं रहेगा, जान लीजिए पक्का। अरे अभी तो हम इनसे मिलने आए, अभी तो इनसे मिलने चलिए। और बात चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद प्रेस के साथियों का। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleem Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now